नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल के इस अंक में। मैं हूं प्रीति सिंह और मेरे साथ है हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल में हम आपके लिए आतंकित प्रश्नों को लेकर आते हैं जो लोकहित से जुड़े होते हैं, जनहित से जुड़े होते हैं। संसद सत्र के दौरान इन्हें अलग अलग सांसद पूछते हैं और संबंधित मंत्रालय के मंत्री इन सवालों का उत्तर देते हैं। ये जो सवाल आतंकित प्रश्न होते हैं उनका जवाब मंत्रालय की तरफ से लिखित रूप में सदन में दिया जाता है और जो संसद का राज्यसभा का एक तरह से 249वां सत्र हुआ है उसमें 3973 आतंकित प्रश्न पूछे गए हैं और उन्हीं में से हम चुनकर आपके लिए आज भी प्रश्न लेकर आए हैं। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और पहला जो प्रश्न है अरविंद जी वो है बीपीएल और एपीएल कार्डों के डिजिटलीकरण को लेकर। ये सरदार वल्लभ बलविंदर सिंह मुंडर का सवाल है, इसका जवाब क्या है? हाँ, ये प्रीति बिल्कुल बलविंदर सिंह मुंडर जी का जो सवाल है सरदार जी का, इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल जो है कुल मिलाकर के समग्र रूप से जो देश की जो खाद्य सुरक्षा है उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि एपीएल हो या बीपीएल हो जो है करीब करीब 81 करोड़ 35 लाख से अधिक जो है लोग वो हमारे यहाँ जो फूड सिक्योरिटी कवर है उसके तहत लक्षित किए गए हैं, रखे गए हैं, और ग्रामीण इलाकों में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि इसके पहले लगातार सवाल उठते रहे कि भूख से मौतें कुछ जगहों पर हुई हैं, हालांकि राज्य सरकारों ने उनका खंडन किया, लेकिन बातें ये आई प्रकाश में कि बहुत से लोग जो तो सरकार ने यह तय किया कि कोई इस तरह की अनहोनी घटनाएं ना हों, क्योंकि भारत के पास अनाज पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन सवाल यह है कि उसके वितरण को के तंत्र को जब तक मजबूत न बनाया जाए, वो मजबूती बनाने में डिजिटलीकरण एक अहम कदम है। और इस बीच में आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिजिटलाइजेशन से बहुत सारे राशन कार्ड फर्जी पाए गए हैं, उनको ख़त्म किया गया है। तो जो ये सरकार ने जो कोशिश किया है कि जो प्रोविज़न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का, उसके तहत जो है जो कुछ योजनाएं हैं जिसको TPDS है, जिसको लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, वो है। उसके अलावा दूसरी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे जो मध्याह्न भोजन योजना है मतलब स्कूलों के लिए, और एकीकृत बाल विकास सेवा है ICDS। इस तरह की जो स्कीमें हैं, अन्नपूर्णा स्कीम है, कई कल्याणकारी स्कीमें हैं, हॉस्टल्स को भोजन देना, उनके लिए खाद्य वस्तुएं देना, तो ये काफ़ी बड़ा मतलब कार्यक्रम है जिसको कहिए खाद्य सुरक्षा का, जिसके नाते जो है कई योजनाएं चल रही है। और अभी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसमें 75% के करीब ग्रामीण आबादी और 50% तक अर्बन शहरी आबादी जो है उसको कवर करने का प्रोविज़न किया गया है। और सरकार ने कुछ नए कदम उठाए हैं प्रीति, जो मैं बताना चाहूँगा इसमें, कि एक तो डिजिटलीकरण को फोकस सरकार ने किया है ताकि सही व्यक्ति को ये काम हो। दूसरा ये किया है कि ऐसे परिवार जिनके मुखिया जो विडोज हैं या असाध्य रोग से पीड़ित हैं या दिव्यांग हैं, जो हेड ऑफ फैमिली हैं, या 60 साल या उससे अधिक की उम्र हो गई हो, आजीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है और जिनको कोई सामाजिक सहायता भी नहीं है, उनके लिए विशेष प्रोविज़न है। और इसके अलावा जितने भी आदिम जनजातीय जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो हैं, इसके अलावा भूमिहीन खुद खेतिहर मजदूर हैं, जो सीमांत किसान हैं, ग्रामीण दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, इन सब के लिए भी कुछ एक खास श्रेणी है। HIV पॉजिटिव लोगों के लिए भी, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ये सारे पात्र परिवार हैं, तो इन जो परिवारों को इन्होंने दिया है कि न्यूट्री सीरियल्स जो है गेहूं चावल के लिए 1, 2 और 3 रुपए किलो के हिसाब से जो है ये अनाज दिया जाए, देने की पात्रता है। और जहां ये प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलो खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की पात्रता है, वहीं जो है AAY परिवार जो है वो जो निर्धनतम जिनको माना जाता है उनको 35 किलोग्राम अनाज जो है प्रति परिवार प्रतिमाह दिया जा रहा है। ये अधिनियम जो है पूरे देश भर में लागू है कुल मिलाकर के, और इसके जो गरीबी के जो अनुमानों को इससे पृथक कर दिया गया है ताकि अधिकतम लोगों को इससे राहत मतलब दिया जाए। और राज्य सरकारों को भी भारत सरकार ने ये मतलब दिशा निर्देश दिया है कि जो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनकी पहचान करें, उनको कवर करें, और राशन कार्ड जारी करने के लिए एक खास अभियान उसके लिए चलाया जाए। और ये राज्य सरकारों के सहयोग से लक्षित जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको जो है मतलब पूरा कंप्यूटराइज किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये डिजिटलीकरण जो कि एक लंबा दौर है,
उसमें बिल्कुल पीटी थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम होंगे और ख़ासतौर पर जहाँ लूप होल थे, जहाँ लीकेज थे, उनको दूर करने में मदद मिलेगी। अब एक और सवाल है जो पीटी, क्योंकि MSP पर सरकारें जो है वो लगातार गेहूं, चावल और अनाज खरीदती रही हैं, और उसमें निजी क्षेत्र को भी जोड़ने की योजना बनी है। विजय सिंह रेड्डी जी का सवाल है, क्या MSP पर कृषि उत्पादों की खरीद में निजी कंपनियों को शामिल किया गया है, क्या क्या जवाब है जी? जो वी विजय साई रेड्डी का सवाल है, उन्होंने पूछा है कि क्या ये सच है कि मंत्रालय में निजी कंपनियों द्वारा MSP पर कृषि उत्पादों की खरीद के लिए एक नई योजना को अनुमोदित किया है, अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है और कारण क्या है, और किस प्रकार ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सुचारू वितरण में सहायता कर रही है। और ये भी पूछा है कि नए खरीद तंत्र के लिए 2018-19 के लिए निर्धारित धनराशि कितनी है। इसका जवाब दिया है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री दानवे राव साहब दादाराव ने। उन्होंने बताया कि पूर्वी राज्यों में MSP मूल्य प्रचालनों के दायरे में वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, यानी जो MSP ऑपरेशन को स्प्रेड किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, उस पर खास ध्यान दिया जा रहा है, और इसके लिए खरीफ विपणन मौसम 2015-16 से खरीफ मौसम, यानी खरीफ एक तरह से प्रोक्योरमेंट का जो मौसम है 2017-18 के दौरान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में धान या कहें चावल की खरीद के लिए निजी पार्टियों को नियुक्त किया गया था। यानी एक बार फिर बताएं कि खरीफ प्रोक्योरमेंट मौसम 2015-16 से 2017-18 के दौरान निजी पार्टियों को नियुक्त किया गया था खरीद के लिए। इसके अलावा किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे PM आशा कहा जाता है, इसके अंतर्गत अक्टूबर 2018 से निजी खरीद और स्टॉक स्कीम यानी PPSS शुरू की गई। और जो ये निजी खरीद और स्टॉकिस्ट स्कीम है, इसका उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद ऑपरेशन में प्राइवेट एजेंसियों की जो व्यवहार्यता है उसका आकलन करना है। एक तरह से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग तिलहन की खरीद के लिए PPSS स्कीम यानी निजी खरीद और स्टॉकिस्ट स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से धान या चावल की खरीद के लिए कोई धनराशि निर्धारित नहीं करती है। प्राइवेट एजेंसियों द्वारा की गई खरीद की मात्रा के आधार पर, यानी कितना वो खरीद रहे हैं उस मात्रा के आधार पर, भारतीय खाद्य निगम निविदा के माध्यम से निर्धारित दर पर धनराशि का भुगतान करता है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो PPSS यानी निजी खरीद और स्टॉक स्कीम है, जो अक्टूबर 2018 से शुरू की गई, उसके अंतर्गत 2019-20 के लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। ये जवाब इसका सरकार ने दिया है। अब अगला सवाल आता है, ये है अरविंद जी, मेड़ पर पेड़ योजना यानी एक तरह से ट्री बेस्ड फार्मिंग को लेकर, इस ये पूछा है पी भट्टाचार्य, अमी अगेक और राजमणि पटेल ने, इसका जवाब क्या दिया है मंत्रालय? ये बिल्कुल प्रीति, जो तीनों सांसदों ने जो सवाल पूछा है, ये बड़ा विस्तृत सवाल है, क्योंकि ये केवल पेड़ पर मेड़ जो योजना है, यानी जिसको हम कृषि वानिकी कहते हैं, वो केवल वहीं तक नहीं है। उन्होंने ये भी पूछा है कि जो खेती के माध्यम से जो आजीविका को बढ़ावा देने के लिए आखिर सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई, ये भी इसके साथ है। तो इसमें जो नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि ये जो खेती बाड़ी है, ये राज्यों का विषय है। भारत सरकार केवल जो केंद्र प्रायोजित और जो केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएँ हैं, उनके माध्यम से राज्य सरकारों को धनराशि देती है, सुविधाएं देती है, और उसमें एक सूची भी दी गई है। लेकिन पहले उस सवाल पर आते हैं जो पेड़ पर मेड़ की जो योजना है, उसमें यह है कि जो नियमित तौर पर फसलें बोते हैं किसान, उसके साथ ही उनका थोड़ा आय और सुनिश्चित करने के लिए एक योजना जो हर पेड़ पर मेड़ नहीं हर मेड़ पर पेड़ सॉरी मतलब जितनी भी मेड़ हैं उन पर पेड़ लगाने को प्रोत्साहन करने के लिए 2016-17 में एक कृषि वानिकी का एक उप मिशन शुरू किया गया था। उसमें अभी कुछ तकनीकी बाधाएं रही हैं, इस नाते जो है वो अभी उतना लोकप्रिय नहीं हो पाया है, लेकिन उस पर भी काम शुरू हो गया है। तो इसमें क्या है कि कृषि भूमि में जो नर्सरी विकास और वृक्षारोपण के लिए वित्तीय सहायता का इसमें प्रोविजन है, और ये किसानों को जो अतिरिक्त आय और ख़ासतौर पर जो मतलब एक तरह से आय दोगुनी करने की जो बात है ना प्रीति, 2022 तक उसमें मदद करेगा ये। उसके अलावा खाद्य सुरक्षा मिशन का जो एक उप मिशन है, जिसमें तिलहन और ऑयल पॉम मिशन है, उसके अलावा वृक्षारोपण रख रखाव और वृक्ष जनित तिलहन
जैतून, नीम, करंजा, महुआ, इस सब के प्रोविजन भी किए गए हैं। और इसके अलावा 2018-19 में जो है राष्ट्रीय बांस मिशन भी एक शुरू किया गया है। और जो कृषि मंत्रालय की ओर से जो योजनाएं हैं कुल मिला के, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से ऐसी योजनाएं जिसमें राज्यों को मदद मिल रही है, ऐसी काफ़ी बड़ी लंबी सूची है। एक उसमें से कुछ जो है सूची में बताना चाहूँगा प्रीति, जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है उसमें है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उससे काफ़ी रिलीफ जो है किसानों को मिला है, ख़ासतौर पर एक तरह से प्राकृतिक आपदाओं के मामले में या इस तरह की चीज़ों में उनको संरक्षण मिला है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए जो कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान ये भी है, पीएम आशा जिसका आप जिक्र कर रही थी, कल्याणकारी योजनाओं के लिए दलहन का वितरण, जैसे पीडीएस में आपने देखा होगा गेहूँ चावल होता है, कुछ जगह फिर इन्होंने दालों के वितरण की भी योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना है, फिर हरित क्रांति से जुड़ा कंपोनेंट है, कृषि उन्नत योजना है, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो हमने बताया, और जैविक खेती को बढ़ावा देने की है, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य उर्वरता योजना, पूर्वोत्तर जैविक मूल्य श्रृंखला, ये इस तरह की कई योजनाएं जो चलाई जा रही हैं जो कि किसानों को एक बेहतर आय का मौका देंगी कुल मिलाकर के। प्रीति, तो मुझे लग रहा है कि शायद हम लोग इसमें प्रीति एक सवाल जो है बड़ा महत्वपूर्ण, संक्षेप में आप जवाब दीजिए, ये जो निर्यात समर्थन परिषदें हैं वो वाणिज्य मंत्रालय के तहत आती हैं, इनका बड़ा भारी योगदान है निर्यात के बढ़ावा देने में, ये कौन कौन सी परिषदें हैं, क्या योगदान है इसके बारे में? हाँ, मोहम्मद अली साहब का क्या जवाब है? मोहम्मद अली खान जानना चाह रहे हैं कि जो निर्यात संवर्धन परिषद यानी जिन्हें कहा जाएगा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, किस तरह से निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसका रिव्यू किस तरह से होता है और कैसे किया जाता है, और क्या अब नई निर्यात संवर्धन परिषदों को भी शुरू करने का प्रस्ताव है, इसका जवाब दिया है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। उन्होंने बताया कि जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है यानी निर्यात संवर्धन परिषद, वो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सृजित किया गया उद्योग संगठन है, और इसके लिए उन्होंने बताया है कि नियमित रूप से वाणिज्य विभाग के साथ परस्पर संवाद भी होता है, और जो इनकी प्रबंधन समितियां हैं इस काउंसिल की, उसमें भारत सरकार के नामित प्रतिनिधि भी होते हैं जो इनके एक तरह से परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं, और परिषद की ये प्रबंधन समितियां निर्यातकों के साथ बातचीत सुलभ कराती हैं और एक तरह से परफॉर्मेंस का आकलन करती हैं। वो ये भी बताया है कि ईपीएस के निष्पादन, ईपीएस यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसके निष्पादन की समीक्षा रिपोर्ट वार्षिक आधार पर संसद में भी प्रस्तुत की जाती है, और विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 में जो मैनेजमेंट का कामकाज है वो लोकतांत्रिक रूप से सुनिश्चित करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा चुनाव का आयोजन भी किया जाता है, यानी ताकि फेयर इलेक्शन हो, इसमें जो सदस्य हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा भी चुना जाता है। जो सूची है जो निर्यात संवर्धन परिषदों की वो भी वहाँ पे दी गई है, कई सारी परिषद बताई हैं, कुल 14 परिषद हैं, और ये जवाब दिया गया है मंत्रालय की तरफ से। इसी के साथ यहाँ अंक जो है वो हमें समेटना होगा क्योंकि प्रश्नकाल का समय फिलहाल यहीं पूरा हो रहा है। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और प्रश्नों को लेकर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।